हेलो डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक होगा वो कुछ ऑडिट के रिलेटेड होगा। हमारा टॉपिक अलग अलग टाइप के आपने सुने होंगे कि ऑडिट आता है। ऑडिट मतलब सिंपल के बुक्स ऑफ अकाउंट वेरीफाई करना, चेक करना। तो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे टैक्स ऑडिट होगा। सबसे पहले देख लेते हैं टैक्स ऑडिट में करना क्या है। नॉर्मली क्या होता है कि जो कोई कंपनी हो, कोई इंडिविजुअली हो, कोई HUF हो, ये जो है वो क्या है, पर्संस की डेफिनेशन में इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 उसमें पर्संस की डेफिनेशन दी गई है। उसमें टोटल 7 टाइप ऑफ पर्सन इंडिकेट किए हुए हैं। तो अगर उसमें कोई भी हो, वो कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन करेगा, उसमें जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसके ऊपर उसको टैक्स पेमेंट करना होता है। सिंपल। पर ये जो टैक्स पेमेंट करते हैं ना, वो भी अलग अलग 3 टाइप से पेमेंट करने होते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरी खुद की एक कंपनी है, मैंने TDS पेमेंट कर रहा हूं। मैं TDS मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मेरी कहीं ना कहीं से TDS कट हो रहा है, वो भी अल्टीमेट तो मैंने टैक्स पेमेंट किया हुआ है। दूसरा है एडवांस टैक्स, अगर सपोज मैंने एडवांस टैक्स पेमेंट किया हो तो। और लास्ट में आता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। सेल्फ असेसमेंट टैक्स किसे बोलेंगे, जो हम अभी फाइनलाइज रिटर्न फिलअप कर रहे हैं और जो भी टैक्स पेमेंट करना है वो। ये सब ऑडिटर क्या करेगा, नेट अमाउंट, नेट प्रॉफिट है उसकी अमाउंट पे सब टैक्स का कैलकुलेशन देखेंगे। अपने ने टैक्स पूरा का पूरा पेमेंट किया हुआ है कि नहीं, कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, क्वेरीज है कोई, वो सब चेक करेंगे। उसको क्या बोलेंगे हम, टैक्स ऑडिट। अब आगे बात करें तो टैक्स ऑडिट में बेसिकली क्या बोलता हूं मैं यहां पे, दो वर्ड्स, बिजनेस और प्रोफेशन। टैक्स ऑडिट में सिर्फ और सिर्फ क्राइटेरिया रखा गया है बिजनेस और प्रोफेशंस। अगर यहां पे थोड़ा डिटेल में जाता हूं, पहले जो शुरुआत में जब ये नया हुआ, पहले क्या था, जब बिजनेस में और जब आपका टर्नओवर या सेल्स 1 करोड़ के ऊपर से जाए, और अगर आपका प्रोफेशन हो और 25 लाख के ऊपर अगर आपकी रिसिप्ट गई, तो टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी हो गया। बाद में क्या हुआ, एक अमेंडमेंट आया, अमेंडमेंट में इन दोनों लिमिट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मतलब हुआ क्या, यहां पे वापस प्रॉब्लम, जो बिजनेस का लिमिट था वो 1 करोड़ की जगह पे 2 करोड़ कर दिया, और जो प्रोफेशंस की लिमिट जो 25 लाख रखी थी उसको 50 लाख में कन्वर्ट कर दिया। और यहां पे भी क्या हुआ, फिर दोबारा एक और अमेंडमेंट आया थोड़ी देर बाद। तो उस अमेंडमेंट में जो बिजनेस के लिए 2 करोड़ रखे थे वो वापिस से 1 करोड़ कर दिए। ओ सर ये सब जाने दो ना, एट प्रेजेंट क्या है, तो एट प्रेजेंट हमारे पास बचा क्या, बिजनेस कर रहे हो आप तो टर्नओवर सेल्स आपका 1 करोड़ के ऊपर है, और अगर आप प्रोफेशंस में हो और आपकी ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख के अभाव है, तो आपको कंपलसरी टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो यहां पे मैंने लिखा हुआ है, बिजनेस के लिए टर्नओवर एक्सीड ₹1 करोड़, प्रोफेशंस रिसिप्ट एक्सीड ₹50 लाख। मीनिंग ये सिर्फ मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए दिया हुआ है, अगर ये आप अपने क्वेश्चंस में कवर नहीं करेंगे तो भी चलेगा। बिजनेस किसे बोलते हैं, अगर एनी काइंड ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग। प्रोफेशंस, प्रोफेशन टोटल डिपेंड्स ऑन स्किल, देयरफॉर एन ऑक्यूपेशनल रिक्वायरिंग आइदर प्योरली इंटेलेक्चुअल स्किल और एनी मैन्युअल स्किल। मतलब आपके पास कोई स्पेसिफिक स्किल है तो प्रोफेशंस बोलेंगे। सेल्स, सर अभी आपने बोला कि जो बिजनेस है, प्रोफेशन है, उसमें ग्रॉस रिसिप्ट, टर्नओवर, सेल्स, उसको इंपॉर्टेंट देते हैं। तो सेल्स मतलब ऐसा नहीं कि बस जो सेल्स की अमाउंट है वो ही हमारा सेल्स, नहीं। सेल्स के ऊपर अगर हमने कोई स्क्रैप को सोल्ड आउट किया है तो वो भी प्लस कर देंगे, कोई बाय प्रोडक्ट को सोल्ड आउट किया है तो उसका सेल्स भी प्लस कर देंगे। ऑब्वियसली अगर ट्रेड डिस्काउंट है, कोई बिल कैंसलेशन हुआ है, तो वो सब क्या कर देंगे, डिडक्ट। इवन तो सेल्स रिटर्न है हमारे पास, तो सेल्स रिटर्न को भी क्या करेंगे, माइनस। जो फाइनल अमाउंट रही हमारे पास, अगर वो अचीव करती है 1 करोड़ बिजनेस में और प्रोफेशन में 50 लाख, तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना रहेगा।
स्पेसिफिक डेट है, ये कंपलसरी बिफोर 30 सितंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर से पहले टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी है। और अगर सर नहीं करवाया तो क्या होगा? नहीं करवाया तो ऑब्वियसली यार सेक्शन बना है, उसके ऊपर पेनल्टी भी लिखी होगी। तो पेनल्टी उसकी क्या है? जो कंपनी होगी, अगर पर्सन होगा, इंडिविजुअल होगा, अरे कोई भी हो, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी 0.5% ऑफ टर्नओवर, बट मैक्सिमम अमाउंट 150,000। तो पेनल्टी का रूल क्या हुआ? 0.5% ऑफ टर्नओवर और 150,000, व्हिच एवर इज लोअर। तो वो भी मैंने इंडिकेट किया हुआ है, पेनल्टी 0.5% ऑफ टर्नओवर और 150,000, व्हिच एवर इज लोअर। देखने जाए तो यहां पे टैक्स ऑडिट क्वेश्चन मार्क आता है कि सर कौन कर सकता है, तो मैं बोलू ना तो सेक्शन 44AB में कहीं पे भी उसकी क्वालिफिकेशन स्पेसिफिकली दी नहीं है। पर अपने सब जानते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो, उसे हम दूसरी लैंग्वेज में ऐसा भी बोल सकते हैं कि डॉक्टर ऑफ अकाउंट्स, वो एक डॉक्टर है। अकाउंट्स के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा आराम से इजीली सॉल्व कर लेगा, उसके पास अलग अलग लॉस का नॉलेज है अकाउंट्स के रिलेटेड। तो नॉर्मली लोग सीए को प्रिफर करते हैं, तो उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो अपॉइंटमेंट मैंने यहां पे लिखा है, अगर कंपनी में अपॉइंटमेंट करना होगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा। फर्म है तो एनी पार्टनर्स, कोई भी पार्टनर उसको अपॉइंटमेंट कर सकता है। एचयूएफ होगा तो करता। प्रोप्राइटरी फर्म मतलब सिंगल ऑनरशिप फर्म होगी, तो जो वो ऑनर होगा वही डिसाइड करेगा, मतलब प्रोप्राइटर ही डिसाइड करेगा कि किसको हम ऑडिट पे रखने हैं। टैक्स ऑडिट के कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी यहां पे ध्यान रखने हैं, जिसका मैंने हेडिंग मतलब नेम लगाया हुआ है लायबिलिटी फॉर टैक्स ऑडिट। चैरिटेबल ट्रस्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसकी इनकम है ना कभी कभी एग्जाम्प्टेड इनकम में काउंट होती है, पर फिर भी क्या है, कभी कभी ट्रस्ट जो होते हैं उसको डोनेशन यहां वहां अलग अलग जगह से डोनेशन मिलता है, वो लोग बिजनेस भी करते हैं, ट्रस्ट है भले ही ना कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, लेकिन उनका भी अगर 1 करोड़ के ऊपर टर्नओवर हुआ तो उनको भी टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी है। दूसरा देखने जाए तो उसमें दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है नॉट एप्लीकेबल, किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। उसमें मैंने 3 पार्ट पाड़े हुए। फर्स्ट, जो शिपिंग का बिजनेस करते हैं उसके लिए ये सेक्शन 44AB एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सर शिपिंग का तो बिजनेस ही है। हाँ, यही तो उसमें एक्सेप्शनल केस है, जो शिपिंग का बिजनेस है उसके लिए अलग सेक्शन दिया गया है 44B। और दूसरा एक बिजनेस है एयरक्राफ्ट का ऑपरेशन, अगर हम कर रहे हैं ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट, तो 44BA में उसके लिए अलग प्रोविजन दी गई है। और लास्ट, जो एनआरआई होगा उसके ऊपर भी सेक्शन 44AB अप्लाई करेगा नहीं। तो आज का ये सिंपल टॉपिक था टैक्स ऑडिट, जिसमें हमने देखा कि ऑडिटर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नेट प्रॉफिट चेक करता है। हाँ, एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट कर लो, जो हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस में जो नेट प्रॉफिट दिखता है उसके ऊपर कैलकुलेट नहीं होगा ये टैक्स। ये जो प्रॉफिट होगा वो अलग से चार्टर अकाउंटेंट फाइंड आउट करेगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में कोई वो इनकम टैक्स वाले बोलेंगे ये हम एक्सपेंस वाले इनकम हम काउंट नहीं करते, अलग अलग कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने के बाद जो टैक्स जो अमाउंट आती है, जो नेट प्रॉफिट, उसके ऊपर ही टैक्स पेमेंट करना होता है। ओके, तो आज का लेक्चर यहां तक ही था, और इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी प्रॉब्लम अराइज हो, या माइंड में कोई इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन चल रहा हो, तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। और अकाउंट्स के रिलेटेड आपको कोई भी और टॉपिक हो, मेथड्स हो, कोई भी रिलेटेड लेक्चर्स चाहिए, तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में शो कर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट एंड रेस्ट इज लक।